मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ कि जब उल्टी बाढ़ खेत को खा लेगी तो खेत नहीं बचेगा। ये हमारे देश की सरकार को, विदुषियों को ये सोचना है कि हमने देश बचाना है कि गर्त में डालना है। 47 से लेके अभी तक हमारे देश की जो दास्तान है वो सब जानते हैं। हमारे बच्चों को सही इतिहास का नहीं पता, हमारे बच्चों को सच्चाई का नहीं पता। जैसे मैं आपको सच्ची बात बताऊं, एक माँ जो अपने बच्चे के दिमाग में जो कुछ लिख देती है, बच्चे ने नहीं देखा होता, बच्चा मानता है यही सच है कि हमें जी घर से निकाल दिया था, यही सच है, बच्चा वही सच मान के निकलता है। लेकिन वो कभी नहीं बताते कि हमने क्या उत्पात मचाया था जो हमसे तौबा कर ली सबने। इसलिए आज हमको इस बात को मद्देनजर रखना है कि बच्चों की क्लीन स्लेट पे कोई भी माँ जो है, कोई भी बाप, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम, उनको घर से भगत, शहीद सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, आज़ाद साहब, हमारे देश के जितने भी जो वीर योद्धा हुए हैं, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हुए हैं, चाहे वो शिवाजी हुए हैं, चाहे हमारे देश में झांसी की रानी हुई हैं, अहिल्याबाई होलकर हुई हैं, धर्म के आधार जो अहिल्याबाई होलकर उस समय करके गई हैं, आज भी हमारे देश में कोई जुर्रत करे वो काम करने की। इसलिए आज हमारी हुकूमतों को इतिहास में जाना चाहिए, इतिहास की खोज करके ये सारा कुछ एक तरफ करके अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए कि राष्ट्र सर्वोपरि है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, स्लीप पे लेके मज़हब को नहीं घूमना है, सब हमारे हैं, हम सबके हैं, खुद जियो, औरों को भी जीने दो का मूल मंत्र सिखाना है हमने। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं यही कह रही हूँ कि मुझे अपने केस में पूरे इंसाफ की उम्मीद है। आप यकीन मानिए, मुझे पूरी उम्मीद है। आज तक मुझे इंसाफ कोर्ट से ही मिला है। ऑनरेबल कोर्ट ने इंडियन जुडिशरी हिंदुस्तान की ही नहीं, पूरी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जुडिशरी है। हमें विश्वास होना चाहिए इस बात का। जी लो जी।